देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 94 है एंड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर वेज टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। यहाँ पर क्या है, हिंदी से इंग्लिश में जनरली क्या होता है, अभी इंडिया की बात किया जाए तो एक जो प्राइमरी लैंग्वेज की बात किया जाए तो वो हिंदी ही है ना। अब किसी की जैसे अवधी है, किसी की भोजपुरी, किसी की गुजराती है ना, इस तरह से अलग अलग है, लेकिन इन सब में कॉमन मिल जाता है हिंदी है ना। जनरली हिंदी हर कोई जानता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अभी आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्लियर। जैसे मैं कहूँ वह बदसूरत है, वह कैसे है, बदसूरत है, ठीक। अब मान लो कि बदसूरत की मीनिंग आपको नहीं पता है, क्लियर है, मान लीजिए मीनिंग नहीं पता है, तो देखिए वैसे इसकी सही इंग्लिश होगी, मान लो हमें नहीं पता है। अब इसका मतलब देखो, दूसरा क्या रास्ता है, अदर वेज क्या है, दूसरा क्या रास्ता है, इसमें ये चीज समझना है, क्लियर है। तो वह बदसूरत है, इसकी इंग्लिश होगी, अब इसको आप कहते हैं, इसका मतलब वह सूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, तो इसको आप बोल सकती हो सी इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इसको एक तो ये बोल सकते हैं, है ना। अच्छा और क्या बोल सकते हैं, अदरवाइज में देखो और कितने तरीके हैं। हाँ, अगर मानते हैं कि आपको बदसूरत की इंग्लिश पता है तो सिंपल सा हो जाएगा, सी इज अगली, है ना। लेकिन कुछ देर मानकर चल रहे हैं हम लोग कि ये चीज मीनिंग नहीं पता है, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है, इसको मैं दूसरे तरीके से और क्या या कैसे कह सकता हूँ, क्लियर है। तो एक तो बोल सकते हो सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं, इसका मतलब बदसूरत है। या बोल सकते हैं सी इज नॉट गुड लुकिंग, वो अच्छी नहीं दिखती है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, सी इज नॉट गुड लुकिंग, वो अच्छी नहीं दिखती है, उसके सेंस में जा रहा है। या और क्या बोल सकते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं, अट्रैक्टिव कौन होता है, जो सुंदर रहता है वही होता है, और सुंदर का मतलब ऐसे स्किन की कलर से नहीं होता है, ठीक। सी इज नॉट, ये अट्रैक्टिव ये भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, चलो अभी तीन ही लेते हैं, चार्मिंग, हाँ सी इज नॉट चार्मिंग, ये बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव का ही सिनोनिम है, सी इज नॉट चार्मिंग, वो जो है चार्मिंग नहीं है, सुंदर नहीं, अट्रैक्टिव आकर्षक नहीं है, मतलब बदसूरत है, क्लियर है। कुरूप है, रूप नहीं है, कुरूप है, तो ये चीज तरीका है। अब देखो सही तो आपका यही है, ये चीज गलत ही होता है, लेकिन एक कहावत कहा गया ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ नहीं आ रहा है अगर आप ये बोल दोगे तो काम चल जाएगा, काम बन जाएगा, क्लियर है। चलो एक काम आप बनाओ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखता हूं आप काम बना पाते हो कि नहीं। मैं कह रहा हूं यह खाना बासी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मान लो एग्जैक्ट इंग्लिश आपको बासी की मीनिंग नहीं पता है, क्या पता है, नहीं पता है, सच में नहीं पता है, हाँ एस से पढ़ता है ये पता है, बाकी नहीं, ठीक है। तो बताओ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या नहीं नहीं गलत है, थोड़ा सा पहुंची हो लेकिन अभी नहीं पहुंची, खाना देर का बना है, हाँ ये बोल सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बताओ दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दिस फूड इज, दिस, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हाँ आप पहले आप बताओ फिर मैं तो बताऊंगा, इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम टू मेड दिस फूड, क्या ये सही आप बता रहे हो, इस खाने को बने बहुत समय हो गया है, गया है ऐसा, हाँ तो देखो इसको ऐसे बोलो ना, बासी का स्टेट होगा, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, और यहां पर कुक्ड द फूड, काफी समय का होगा, इसका मतलब ये हुआ खाना बने हुए बहुत समय हो गया है। अच्छा ये खाना बासी है, मतलब ये खाना ताजा नहीं है, ये खाना ताजा नहीं है, तो एक तो ये बोल सकते हो, हाँ दिस फूड इज नॉट फ्रेश,
और बताइए क्या और तरीका है कुछ? कुकिंग टाइम ऑफ दिस फूड इज ओवर, है ना? इस खाने का जो कुकिंग टाइम था, जो खाना बनाने में जो समय लगा था, अब वो समय क्या हो गया है? ओवर हो गया। या इसके मतलब फ्रेश होने का जो टाइमिंग था, फ्रेश रहने का जो समय था खाने का, खाने का फ्रेशनेस कितना होता है? 4-5 घंटे होता है। इसके बाद तो बासी में ही चला जाता है ना, या खाना कहीं ना कहीं क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब फ्रिज है तो बात अलग है, रख दे रहे, लेकिन बासी तो बासी ही रहेगा ना। बासी खाना पचने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी गर्म चीजें जल्दी डाइजेस्टेबल होता है, गर्म चीज जल्दी डाइजेस्ट होता है। दूध हमेशा लोग कैसे सजेस्ट करते हैं? गर्म करके पियो। दूध को वैसे भी तो पिया जा सकता है, पीने वाले पीते भी हैं, लेकिन गर्म दूध जल्दी डाइजेस्टेबल है, इसीलिए लोग हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा गर्म खाना ही खाते हैं। भले एक तरफ से पसीना गिर रहा है ना, अगर वो सब्जी में नमक तेज है तो नमक बैलेंस हो जाता है, पसीना गिर रहा है, लेकिन खाना गर्म ही प्रायोरिटी है ना, खाना गर्म ही तो प्रायोरिटी दी जाती है, गर्म ही। तो दिस फूड इज नॉट, अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा? दिस फूड इज स्टेल होता है। स्टोल नहीं, स्टेल। स्टेल मींस होता है बासी। ये हो गया आपका, समझ में आया? तो इस तरह से आपसे कोई भी सेंटेंस, मान लो कुछ ऐसा सेंटेंस आपको जरूरत आ जाए बोलने के लिए, है ना, आप बात कर रहे हो और ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाए बोलने के लिए, जहां पर सेंटेंस में बीच में आपको किसी की वर्ड मीनिंग नहीं पता है, है ना। जैसे आपको कहना है, सर इस कमरे का झालर कहाँ है? अब आपको झालर की मीनिंग पता है नहीं, है ना, तो आप क्या बताओगे? और इंस्टेंट देखो, कन्वर्सेशन में क्या होता है, वहां पर एक बोल दिया जाता है, झालर की मीनिंग नहीं पता, तुम दूसरे रास्ते से निकल कर बता दो, बताओ सर इस कमरे में झालर कहाँ है? Where is the hanging chain that is hanged on the ceiling? बस मैंने क्या कहा? Where is hanging chain that is hanged on ceiling like you see in movies? इसका मतलब आपने समझा दिया कि hanging chain कहाँ है, जो कि ऐसे ceiling का मतलब up lower roof, निचला वाला छत से टंगा होता है, as you सीन इन मूवी, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, डेट इज मेड जनरली फ्रॉम ग्लास, जो कि जनरली ग्लास से बना होता है। तो इतना जब आप बोलोगे, अगला समझेगा नहीं कि नहीं, लेकिन इतना आपने क्यों बोला? क्योंकि आपको झालर का मीनिंग पता नहीं था, अगर पता होता तो जैसे आने, या खाना बासी है, नहीं पता है, दिस फूड इज नॉट फ्रेश, एक्चुअली आई वॉन्ट टू से cooked food, the timing of this cooked food is over, as you like, if we eat the food dad's time gets over, then diet food may be harmful. अब देखो, आपको बासी की मीनिंग नहीं पता था इसलिए आपने बोला, लेकिन आपको अगर मान लो पता भी है, ध्यान से समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको सपोज करो बासी की मीनिंग पता भी है, जैसे this food is stale, आपने बोल दिया, अगर नेक्स्ट पर्सन ने पूछ लिया व्हाट, एक्सप्लेन मी, अब आपको एक्सप्लेन करना है, दिस फूड इज स्टेल, एक्चुअली दिस सेंटेंस मींस दिस फूड इज गेट्स ओवर फ्रॉम द कुकिंग टाइम, आई मीन आई वांट टू से दिस फूड इज नॉट फ्रेश, एज यू नो व्हेन वी ईट द फूड दैट इज मेड before a long time ago, then these type of food may be harmful, and that's why we don't eat the food that is made at evening time in the morning time. इसका मतलब जो evening time में बना हो खाना, उसको हम morning time में नहीं खाते हैं, because of this. तब आप इतना लंबा बोलोगे समझाने के लिए,
लेकिन अगर आपने इतना बोल दिया दिस फूड इज स्टेल, अगले को समझ में आ गया, अगर उसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया तो आपका काम इतने से ही हो गया कि नहीं। और एक चीज याद रखो, आप ये मत सोचो अगला समझेगा कि नहीं, दैट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो अगले की प्रॉब्लम है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा, जब वो पूछेगा तब आपको एक्सप्लेन करना है। आप ये बताओ, जो लोग एडवांस इंग्लिश अगर बोलते हैं या बोलेंगे, अगर वो एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या उनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं होगी? बेसिक इंग्लिश अच्छी है तभी तो एडवांस बोल रहे हैं। अगर उन्होंने एडवांस बोला या आपने बोला और अगले ने पूछ लिया व्हाट मींस क्या, एक्सप्लेन मी, रिपीट मी अगेन, जब आप दोबारा बताओगे तब आप बेसिक में ही आपको समझाना है। यानी कि इसका सिंपली आई वांट टू से, एक वो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू समवन, देन वी यूज बेसिक इंग्लिश। एनी पर्सन हु लर्नड, हु इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश, डजंट मैटर दीज लाइक हु पर्सन हाउ मेनी लर्नड ऑफ इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू मैटर टू एक्सप्लेन एनीथिंग देन ही और सी हेल्प्स टू द बेसिक इंग्लिश। है ना, कोई भी पर्सन कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो किसी चीज को समझाने के लिए बेसिक इंग्लिश का ही हेल्प लेता है। एज यू कैन सी इन द कॉलेजेज, इन द स्कूल्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, द मैटर ऑफ द बुक इज आई कंसिडर दैट इज इन एडवांस इंग्लिश, बट व्हेन टीचर एक्सप्लेन दैट मैटर देन टीचर हेल्प टू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट मैटर द बेसिक इंग्लिश। समझाने के लिए वो बेसिक इंग्लिश का ही यूज करता है, बट व्हेन कम्स टू राइट, व्हेन कम्स टू राइट डाउन इन द नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट्स देन टीचर्स हेल्प द मिक्स इंग्लिश। मिक्स मींस बेसिक एज वेल एज एडवांस इंग्लिश। इफ दैट पर्सन इज डिक्टेटिंग हिज ओन वर्ड्स, अगर वो अपने वर्ड में लिखवा रहा है तब वो बेसिक और एडवांस दोनों की हेल्प लेता है। बट इफ दैट पर्सन इज डिक्टेटिंग टू द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द बुक्स, देन दैट पर्सन इज डिक्टेट द बुक इज लैंग्वेज नॉट ऑन लैंग्वेज। यू कैन सी, समझ में आया कुछ कि नहीं? ऐसे मतलब समझो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या जितने भी इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश कॉलेज या इंग्लिश स्कूल्स जो भी हैं, इन सब में क्या होता है, अगर वो समझा रहे हैं तो समझाने के लिए बेसिक इंग्लिश, अगर अपने वर्ड्स में लिखवा रहे हैं तो बेसिक प्लस एडवांस को मिक्स करते हैं, है ना, और अगर वो किताब से लिखवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुक इज लैंग्वेज, क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज होती है ना, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जो बुक की लैंग्वेज होती है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्लास लेवल। एक चीज और है, वो क्लास के लेवल पर भी डिपेंड करता है। लाइक इफ द मैटर ऑफ 12th इंग्लिश देन दैट इज ऑब्वियसली इज स्टैंडर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश, बट इफ द मैटर ऑफ क्लास फर्स्ट इंग्लिश देन ऑब्वियसली दैट इज बेसिक लेवल, वो बेसिक लेवल की ही तो होगी। तो इस तरह से आपको यहां पर समझना। अच्छा, दो चीज समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बताइए, आपको दूसरे रास्ते से चलना है और दिमाग लगाना, और ये चीज दिमाग आपको इंस्टेंटली लगाना, इंस्टेंट यूज करना है। जितना तेजी से आप इंस्टेंट दिमाग में लगा लिए, प्रैक्टिस किए, उतनी ही आपकी फ्लुएंट इंग्लिश। एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, दैट इज आई डोंट अटेन, I don't want to attain the fluency of English. Problem ये होती है कि मैं English में fluency नहीं ला पाता हूँ, मेरी English में fluency नहीं आ पाती है, because of less practice के ही वजह से fluency नहीं आ पाती है। If you know for making other ways to creating the sentence from Hindi to English, and this thing you will continue day by day, then one or day you will learn
English with a good fluency level and you can speak fluent English. Fluent English, not any rocket science. Fluent English means what? Fluent English means the expressing way of English is speedless or speedness. If fluency, if the speedness of speaking English, then obviously your fluency level is going to enhance gradually. But if your speaking, expressing your thoughts, your opinions is slow, then obviously your fluency is going on slow down. Okay, so next third sentence. नया साल आने वाला है. या टेल मी ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन टू इंग्लिश. नया साल आने वाला है, बताइए इसका क्या होगा? दिस सीजन इज अबाउट टू एंड. हाँ, आपने क्या बोला? सबको ट्राई करना है. आप बताओ. या हेलो, रिपीट अगेन. दिस सीजन इज अबाउट टू एंड. दिस सीजन और ईयर दोनों में. दिस ईयर बोलो, सीजन नहीं. ओके. This year is about to end. Is about to end. End.